दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक कप गेहूं के आटे से बिल्कुल अलग नया नाश्ता और साथ में टमाटर की चटनी। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप गेहूं की रोटी खा के बोर हो गए हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए मैं एक बर्तन में एक बड़ी कटोरी गेहूँ का आटा लूँगी और उसमें दो बड़े चम्मच बेसन के और दो बड़े चम्मच सूजी के ऐड करेंगे। सूजी और बेसन हमारे नाश्ते को क्रिस्पी बनाएंगे और टेस्टी बनाएंगे। अब हम पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और घोलते जाएंगे। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ और फिर इसको घोलेंगे और अच्छा एक घोल तैयार करेंगे। और एक कटोरी इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही ऐड करने से हमारे नाश्ते में एक अच्छा फ्लेवर और सॉफ्टनेस आएगी। दोस्तों ये एक हेल्दी नाश्ता है, इसमें हम मैदा वगैरह का कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा नाश्ता है। देखिए हमने बैटर को अच्छे से घोल लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, ताजो इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मैंने इसमें हल्दी ऐड करी है एक चम्मच, लाल मिर्च, गरम मसाला और ये अजवाइन और कसूरी मेथी ऐड करी है और एक चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। आप अपने हिसाब से मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छे से घोल लेंगे। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। अच्छे से पानी को मिला देंगे और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ढक्कन से ढक के इसको 20 मिनट तक रख देंगे ताजो सूजी जो है इसके अंदर फूल जाए और अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए 20 मिनट बाद हम ढक्कन उठा के देखते हैं तो हमारा जो बैटर है ऐसा दिखेगा। इसमें सूजी वगैरह सब सेट हो गए हैं और मसाले भी घुल गए हैं और ये बैटर हमारा बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है। अब मैं स्टेज पे इसके अंदर एक पाउच इनो का डालूंगी। देखिए मैं एक पाउच इनो का डाल रही हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी छिड़कूंगी ताजो ये एक्टिवेट हो जाए और अच्छे से बैटर के अंदर घोल देंगे। इसको तब तक घोलना है जब तक इसमें हल्के हल्के से बबल्स ना आने लग जाए, इसका खमन ना उठ जाए। देखिए इसमें खमन उठ गया है, हमारा जो बैटर एक्टिवेट हो गया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। देखिए कितना स्मूथ बैटर बन के रेडी हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो या हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। उस पर मैंने नॉन स्टिक की तवा लिया है, वो गर्म हो गया है। उस पर मैं थोड़ा सा पानी छिड़कूंगी और एक कपड़े से पोंछ देंगे और ये मैं ऑयल लगा रही हूँ। अब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। ये देखिए मैंने एक कड़छी बैटर डाली और उसके बाद मैं दूसरी कड़छी डालूंगी और इसको बड़े आराम से धीरे धीरे करके फैला देंगे। ये देखिए मैंने कड़छी की सहायता से एक साथ सारा बैटर जो है फैला दिया है। डोसा और चीला बनाते हैं ना, उसी कार में इसको भी बना लेना है। तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, इसमें हमने कोई भी मैदा आदि का जूस नहीं किया है। अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खा के बोर हो गए हो तो आप इस तरीके से नाश्ता बना सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। हल्का हल्का ऑयल मैंने एक साइड लगा के इसको हम पलट देंगे। ये देखिए हमने पलट दिया है, इसे सिक गया है ये नीचे से। गैस को मीडियम स्लो ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाना नहीं तो ये जल जाएगा। अब हल्का सा 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और इसको पलट देंगे। ये देखिए हमने पलट दिया है। अब मैंने कुछ सब्जियां को काट के पहले ही रख लिया था। ये देखिए मैं गाजर फैला रही हूँ जिसको मैंने पहले कद्दूकस करके रख लिया था। और मैं आप इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर चीज़ भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने हल्का हल्का पनीर डाल दिया है जो मैंने पहले कद्दूकस करके रखा था। और मैं छोटे छोटे टुकड़ों में शिमला मिर्च काट के रखी थी वो भी डालूंगी। देखिए डाल दी है और हरी मिर्च भी काट के रखी है वो भी डाल दूंगी। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी बनता है और ये सब्जियां बहुत ही टेस्टी लगती है इसके अंदर। और इसके ऊपर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे सब्जियों के हिसाब से, क्योंकि बैटर में हमने ऑलरेडी नमक डाल रखा है।
ये देखिए मैंने हल्का सा नमक ऐड कर दिया है और इसमें मैं चिल्ली फ्लेक्स डालूंगी, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। काली मिर्च पाउडर भी बहुत अच्छा लगता है। हल्का हल्का ऑयल को हम स्प्रेड करेंगे, आप इसमें हल्का हल्का मक्खन भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हम इसको फोल्ड करेंगे, उसे तीन बार फोल्ड करेंगे और हमारा ये रोल बन के रेडी हो जाएगा। हल्का हल्का इसको दबाएंगे, ऑयल लगाएंगे ताजो ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए हमारा रोल बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा रोल भी रेडी कर लेंगे। जितना हमने बैटर रेडी किया है उसमें कम से कम हमारे 8 रोल बन के आराम से रेडी हो जाएंगे। नाश्ता तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया, आप लोग बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। कभी कभी हमें ऐसे नाश्ता भी बना के खाना चाहिए। ये देखिए मैंने 2 रोल बना लिए हैं, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये फटाफट से हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। ये गर्म तेल के अंदर मैंने राई जीरा तड़का दिया था, उसमें मैंने 4 टमाटरों को मिक्सी में पीस के इसमें डाल रही हूँ। और इसमें हम मसाले डालेंगे, ये नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, काली मिर्च और गर्म मसाला। ये हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो डाल रही हूँ। और इसको ये चिल्ली फ्लेक्स है ये भी मैं डाल रही हूँ, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको हम कुक करेंगे, सॉस के साथ भी इसको खा सकते हैं। और ग्रीन चटनी आपको पसंद हो आप वो भी बना सकते हैं, जो भी चटनी आपको अच्छी लगे आप ले सकते हैं। पकने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक हमने जो रोल्स बनाए हैं उनके पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको पीसेस कर रही हूँ नाइफ की सहायता से। ये इसको आप चटनी के साथ, चाय के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए हमारे रोल्स तो बन के रेडी हो गए हैं और हमारे जो चटनी है वो भी बन के रेडी हो गई है, उसको भी हम कटोरी में डाल लेते हैं। हमारे फटाफट से टमाटर की चटनी बन के रेडी हो गई है, अब हम एक कौली में इसको निकाल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, आप कभी भी इसे खाने के साथ बना सकते हैं। ये देखिए चटनी का कलर कितना उभर के आया है। तो चलिए ये टेस्टी से स्नैक्स बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।